नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज़ आपका फिलहाल मैं सिमडेगा जिला के बानो प्रखंड अंतर्गत बिंगोड़ा मैंगसोर गांव में मौजूद हूं और यहां की एक नाबालिग युवती जिसकी महज उम्र 16 साल थी वो मानव तस्करी की शिकार हो गई है और पिछले कुछ महीनों से लापता है उनके घर हम पहुंचे वहां पर उनके पिताजी की कोई जानकारी नहीं मिल पाई उनके कुछ रिश्तेदार हैं और उसके छोटे छोटे भाई बहन हैं उन्हीं से जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या हुआ था और क्या कुछ जानकारी इनके पास है क्या नाम है आपका शुक्र लोहरा क्या लगते थे कमला कुमारी के आप क्या लगते हैं उसका हम मामा मामा है हाँ जी हाँ तो क्या जानकारी है कमला को कौन लेकर दिल्ली ले गया उसका तो बोला कि नहीं जो का तो नाम रहे ढूंढी ढूंढी कौन है ढूंढी तो मेरा बहने लगता है वो भी लेकिन यहाँ लाए हैं ना इस हाँ। इस तरह से मतलब मेरा संगतिन होगा तो क्या कारण रहा कि वो दिल्ली लेकर गई क्या बोल के लेकर गई है उसको वो तो पता नहीं हम लोग को कि यहाँ से उधर लग गया है तिबानों में बहनों से उधर लेके चला गया तो बहनों से लेकर चला गया हाँ। uh. बातचीत हो रहा है अभी उससे नहीं तो हो रहा है कमला से नहीं हो रहा है नहीं अच्छा नंबर मांग नहीं तो मतलब एक चीज हमें बताइए उसके पिताजी का क्या कहना है इसको लेकर वो लोग ढूंढ रहे हैं कि नहीं अपनी बेटी को ढूंढेंगे जी अब क्या करेंगे कितना क्लास में थी यहाँ पर वो क्लास क्लास में में। आठ, में आठ क्लास में अच्छा

उमन लेके गए हर हमरे के तो रिसीव नहीं कर है। तो तो कॉल करके देख तो कहते हैं मैं कॉल करके देख लो मोर रिसीव नहीं करत अच्छा एखनो तक से हेडमास्टर खोजते हैं और यो भी बात बताते हो जे तिललिता गो की मोके बता लगे दादा कि हुआ करमन जाते हैं से नहीं तो कांटेक्ट करबे कटिक उमन हमर से रिसीव नहीं करत है ना करे दे लेकिन उमन लेके गेला है उमन बेचैख से काम मतलब रहे वाला चक्कर बताए रहे मोके अच्छा ललिता को मतलब कोई भी फोन कॉल संपर्क नहीं है तो। च्चा, च्चा। तो नहीं थे थे। तो मोरो तक नहीं है कॉल आते अच्छा अच्छा अपन जब तो खुद नहीं है तो कहते तो मानो में वो आगे कर पढ़ाई कर कारण में रहेगा का? क्या लिखे जानो जान। तो। जान। अब मो हिया रो हो हुआ रही तो का लिखे जानो छोटा छोटा भाई और बहन है ई गो है के अच्छा। नाम है ई क्या नाम है, है।, है।, है तो? सुष्मिता कितना क्लास में चार कमला के देख रेस कहाँ गया लखू दिल्ली जाए दिल्ली के बता लग तो क्या अथे तो मोर दादी दादी बता लग हाँ अच्छा के लेके दिल्ली गया अथे मोर मामा कर सारी है अच्छा क्या नाम है कुकर नहीं जाना कहाँ कर रहे है है वो बुमुल्डा। बुमुल्डा। बुमुल्डा।

उनकी बड़ी दीदी जो है वो मानव तस्करी की शिकार हो गई है क्योंकि अक्सर मैं दिखाता रहता हूँ ग्रामीण इलाकों में काम दिलाने के नाम पर भला फुसला दिल्ली जैसे महानगरों में बेच दिया जाता है और बेचने के वज में वहाँ पहुँचाने के वज में कमीशन भी काफ़ी ज़्यादा मिलती है और यही कारण है उस पैसे की लालच में रिश्तों को भी शर्मसार करने वाली घटना देखने को मिलती है अपने ही लोग जो हैं इस तरह के कार्यों में संलिप्त होते हैं तो हम बात करेंगे यहाँ आइए आइए ना हो देख इनके नानी से कि आंखेर क्या कुछ घटा है का नाम है के तोर फिरनी फिरनी दे कमला तोर के रहे का विस्तार है कमला से नातीन नातीन ए हे दीदी जून अच्छा तो का का खान तोठिन जानकारी है कमला के के लेके गेलक और का चाहत ओ देखो एथी कर खेरिया कर अरे थी हटिया कर गो हटिया कर आदमी हां अच्छा तो बातचीत हो थे खंड कमला से को धार मोर से नहीं होई है नहीं होई मामी हर से होए अच्छा मोर घर से जा ये नखे तो का के मैं जानू अच्छा तो एकन परिवार वाला खोजबीन बिन करत था कि नहीं खोजो ती हर फोन तो करो ती जन अच्छा मोबाइल आर मामी हर मामा हर मन लेकिन कोई आता पता नखे नहीं कितना आता कितना। पता तो आ है म तो उके बातें नहीं आते बातें नहीं है बात के जहर से बातचीत नहीं आते नहीं

तो आपको बता दूं कि अभी तक जो है थाना में कोई भी मामला इसको लेकर दर्ज नहीं हुआ है और उसके पिताजी जो हैं वो एक तरह से असमर्थ हैं और हमसे जो है संपर्क किया गया कि इनकी मदद की जाए और हम जो है काफ़ी घने जंगलों के बीच में एक सुदूरवर्ती इलाके में आए हैं जहां तक पहुंचने के लिए सड़क भी सही रूप से नहीं है और ऐसे ही इलाकों से यहाँ के जो मासूम जो गरीब परिवार के जो छोटी बच्चियाँ होती हैं उन्हें मानव तस्करी का शिकार बनाया जाता है और दिल्ली मुंबई हरियाणा ऐसे महानगरों में बेच दिया जाता है इससे पहले भी मैंने आपको कुछ दिन पहले दिखाया था कोलीविरा थाना क्षेत्र अंतर्गत भी ऐसा मामला देखने को मिला जहाँ उसके ही फुआ ने दिल्ली में उसे बेच दिया गया और उस गांव के दो लोगों को मानव तस्करी का शिकार बनाया गया और लगभग 18 साल से वो आज भी दिल्ली में फँसी हुई है क्योंकि इस मामले में देखा जाए तो ये मामला ताज़ा है अभी कुछ चंद महीने ही बीते हुए हैं और ऐसे में हम उम्मीद करेंगे कि थाना में कम्प्लेंट दर्ज करने के बाद उसे रेस्क्यू करके जो है गांव तक पहुंचाया जाए क्योंकि काफ़ी दिन बीत जाने के बाद जो है काफ़ी समस्या होती है उसे रेस्क्यू करने में क्योंकि वहां पे कई सारे एजेंसियां होती हैं वहां से काम उन्हें दिलाया जाता है और जो लेकर जाता है उसे कमीशन मिलते हैं और जिस घर में वो काम करती है उसके हर महीने के पैसे भी जो है उस दलाल के पास उस एजेंसी के पास चले जाते हैं और कई बार नाम भी बदल कर घरों में काम करवाया जाता है और सालों साल बीतने के बाद वहाँ से निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि अक्सर वहाँ पर या फिर वेबी केयर के नाम पे हो या फिर वहाँ पे झाड़ू पोछा बर्तन घर में काम दिलवाने के नाम पे हो मगर वहाँ पर शारीरिक मानसिक हर तरह की यातनाएँ यहाँ के आदिवासी लड़कियों को झेलनी पड़ती है और इस तरह के मामले लगातार हर इलाके से देखने को मिल रहे हैं और सबसे चौंकाने वाली बात यही है कि यहाँ के जितने भी इलाकों में इस तरह के मामले देखने मिले हैं सभी में उसके सगे संबंधी उसके रिश्तेदार ही इस घटना में सम्मिलित होते हैं उनके द्वारा ही मानव तस्करी की जाती है उसे दलाल के हाथों में सौंप दिया जाता है और वो एक ऐसे जंगल में फंस जाती है जहां से निकलना असंभव भी हो जाता है फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही देखते रहे न्यूज़ आपका आगे मैं इस केस से जुड़ी अपडेट देता रहूँगा धन्यवाद